इस कहानी का ताल्लुक सन 1910 के एक इनकलाब आंदोलन से है। ये कहानी सच्ची है लेकिन इसके कैरेक्टर्स ख्याली। मुल्क में एक तरफ बरतानी साम्राज्य का चिराग टमटमा रहा था, दूसरी तरफ मनमानी बेलगाम फासिज्म के खिलाफ दुनिया का नीडर इंसान छाती खोलकर खड़ा हो गया। ओए परमिंदर, मैं फिर आऊंगा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू भाग यहाँ से वरना। क्या डरते हो अब्बू, वो हमारे देश की ले रहे हैं, मैं उनकी ले रहा हूँ। हम पुरानी जीन्स की तरह हैं। पुरानी जीन्स? पहली मीटिंग से परफेक्टली कंफर्टेबल। नाइस। अरे तुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? बनना है ना अबू। क्या? दूल्हा। माफ कीजिएगा, टोपी बीच में आ गई। आपको हमसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी से इस तरह प्यार नहीं करना चाहिए। दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर है आपके अदाओं का, अकेले हम ही गुनहगार थे। अपने अब्बू को नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी को तो उसके बुढ़ापे में कुछ देगा उसे? दूंगा ना अब्बू। क्या? पोते। अगर दो लोगों के बीच में वाइब है तो है। वो आग ही क्या जो लग के बड़े नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पे चढ़े नहीं। नहीं बनता तब तक कोई सच्चा आशिक जब तक इश्क में उसको दो चार बड़े नहीं। ये सब बिल्कुल स्टूपिड है। ये पुरानी जीन्स। सच तो ये कि तुम और मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। Watch more, log on to www.erosnow.com.